हाथ नका करू सर। माझे गाडी निकाला ना, गाडी चला सर। सर चावी देता हूँ। जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ से आए हैं। ये जैन परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी यही एक गांठ बांधी यार। अभिषेक बच्चन इस वक्त बाहर जाने को हमने बाहर देखा है, हयान मुखर जाते हुए दिखाई दिए। समय लगने के बाद बहस इस वक्त 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। लगातार गाड़ियों अनिल अंबानी को जाते हुए देखा। अभी जैन परिवार के लोग बाहर निकलने वाले नजर आ रहे हैं। हयान मुखर पर जो नजर आ रहे हैं, यह मानकर चले कि ये अभी कल बहुत बड़ी मुश्किल है और परिवार के लोग बाहर निकलने की कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र वो भी इस टर्मिनल का हिस्सा है। आलिया भट्ट हम यहाँ से दूर देखा हुए परिवार के अगर सदस्य हैं तो ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ इस वक्त इसका हिस्सा है। करीना भी निकली है, भट्ट साहब भी निकले हैं इस गाड़ी में, बाहर निकलते आ रहे हैं। सैफ अली खान और करीना बाहर आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसके पीछे आलिया नजर आ रही है। धीरे धीरे बिल्कुल देखिए जिस तरह से लोगों के आने का क्रम शुरू हुआ है। राहुल रवेल इस वक्त बिल्कुल सामने आपके अकेले पैदल चलकर आते हुए। राहुल रवेल मशहूर डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं कई फिल्मों के, बहुत काम किया है उन्होंने। उन्होंने हाथ जोड़े हैं सामने, हाथ जिस गाड़ी में सैफ अली खान और करीना कपूर सामने बैठे हुए हैं और सैफ कर रहे हैं, नमस्ते किया है तमाम दुनिया। करीना कपूर ने भी नमस्ते किया है यहाँ पर सभी लोगों को। दुखद क्षण में इनके साथ शामिल है पंजरा के देखिए दूसरे आधार जैन इस वक्त निकल रहे हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़े हैं।
पलो। चालू कब से किया? पहले से। देख तो मैं जो मिला। ऐसे भी कोई खास है? कुछ याद रहा।
आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत नाम ये सब आता है मेहनत के बाद, जब तक मेहनत तो थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। ऋषि साहब, आज जैसे ही सुना कि आपने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिनेमा के प्रति जो आपका वर्क है और एक इंसान के रूप में आप जो हम सब के लिए गार्जियन का काम करते थे, आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी आपको कोई नहीं भूलेगा। ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सब जानते हैं कि हमारे यहां कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने ही उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमारी नहीं था, उतनी एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है, मैं मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू।